I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. साहब पहले तो बाल नहीं आ रहे थे और अब इतने ज्यादा आ रहे हैं कि दाढ़ी मूछ बन रही है. देखिए स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स तो होते हैं. तो क्या करें, दवाई इंजेक्शन बंद कर दें? अब बंद कीजिएगा तो बाल फिर से झड़ने लगेंगे. डॉक्टर इसका कुछ तो सलूशन होगा ना? एक सलूशन है. फोटो देखते ही उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन जब मैंने उनको बालों के बारे में बताया तो सोच में पड़ गए. भाभी एक घंटा लगा मुझे समझाने के लिए, तब जाके वो माने, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये तो बहुत अच्छी बात है. लड़का क्या करता है? लड़का फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में अफसर है. अरे वाह. और भाई साहब सरकारी नौकरी मतलब जीवन बीमा. सरकारी नौकरी किसी चीज की कमी नहीं है. बस एक बात है, लड़का उम्र में थोड़ा बड़ा है. अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है. इनके और मेरे बीच में 6 साल का फर्क है. 5 साल का? 45 का है वो. भाभी मैं साफ साफ आपको बता दूं, लड़के की पहली बीवी से 2 बच्चे भी हैं, 13 और 14 साल के. ये रिश्ता लेके आए आप? कहा हमारी इनाक्षी 25 साल की और ये 45 साल का. पंडित जी 20 साल का फर्क है. एक बार शादी हो चुकी है और 2 बच्चों का बाप भी है. अब क्या सोचकर ये रिश्ता लाए थे? भाभी मैं 20 लड़कों से मिल चुका हूँ, जिनको भी बालों के बारे में बताया सब मना कर देते हैं. अब आप बताइए मैं क्या करूँ? मना कीजिए ना, मना कीजिए. एक बार आप सोच लीजिए. भाभी एक समझ गया. नमस्ते. भगवान ने तुझे सबसे अलग बनाया है. हो सकता है इसके पीछे भी उसकी कोई मर्जी हो. तू बस अपने डांस कंपटीशन पे ध्यान दे. कितने हैं? 10-15 हजार कम पड़ रहा. फिर कोई बात है, आप ताज में जाए तो. गुड. अरे यार एक बार में मत पा, क्या है कॉल भी तो करो ना यार कोई. क्या तुझे क्या हो गया, क्यों ऐसे मुंह सुझा रखा है? यार इतनी याद आ रही है उसकी तो फोन ही कर लेना है नाक्षी को. हाँ सेंटर में यार. क्या वो नंबर नहीं है क्या उसका? तेरे की मैंने नंबर मांगा था नाक्षी से और उसने नहीं दिया. कोई बात नहीं भाई, कम से कम तुझे पता चला ना कि तेरी कहानी खत्म. नहीं नहीं नंबर नहीं दिया पर घर बुलाया उसने. तू गया घर? नहीं. अबे क्यों? अबे क्यों क्या, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है मेरा. आज तक किसी लड़की से अकेले मिला हूं मैं.
फोकस ही नहीं कर पाता यार, हंसते रहता हूँ मैं ऐसे बस। अरे यार पर यहाँ मामला अलग है ना, लड़की ने बुलाया तो जाना पड़ेगा, क्या पता वही तेरा वेट कर रही हो। सोच ना, मेरी बात मान भाई, तू ना कल जा पड़िया, सेंट परफ्यूम छिड़क कर, राजा बाबू बन के बाल बाल पीछे जेल लगा के सेट कर, झुक उसके आगे गुलाब ले और बोल आई लव यू मीनाक्षी। अबे तू हंस रहा है, झोंक मारा गया मैंने, हाँ कब बताएगा, बता कितने साल हो गए? बता दूंगा यार बाद में। बाद में, बाद में कब बाद में? ओ भाई उसके बच्चे हो जाएंगे, धड़कन की सुनील शेट्टी की तरह, तो ना तू उसके पीछे पीछे आएगा और बोलेगा मीनाक्षी मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ कि मैं हारने नहीं दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। चल चल खेलते हैं। अंजलि, अंजलि फ्लाइट के आने जाने का टिकट्स, होटल खाना पीना सब मिला के 1,00,000 रुपए पकड़ लीजिए सर। 1,00,000? ये तो बहुत महंगा है, कैंसिल कर देते। कैंसिल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंने सोच लिया। लेकिन ताजमहल से वापस आकर क्या पत्थर खाएंगे? वो देख लेंगे, इस बार नहीं गए ना तो कभी नहीं जा पाएंगे। हम कभी बाहर ही नहीं गए सिलीगुड़ी से, कितने साल हो गए। एक बार फिर से सोच लो। मैं तो तुमको बहुत पहले ले जाना चाहता था, लेकिन तब मीनाक्षी की दवाइयाँ और इंजेक्शन इस सब में सारा पैसा खर्च हो गया। इस बार तो जाना ही। क्या है ये? और उलझा दिया है। कहाँ उलझा दिया, पहले से ऐसे ही तो था। डॉक्टर साहब आपकी दवाई से सर पे बाल आ गए थे, लेकिन साइड इफेक्ट से चेहरे पे भी बाल आने लगे। 6 महीने के बाद हम फिर वहीं के वहीं हैं, सारे बाल गायब हो गए। जैसा आपने कहा हमने किया, टाइम पर दवाई दी, खाने में परहेज किया और इंजेक्शन भी लगवाए, फिर भी पहले तो ये बच्ची थी, स्कूल जाती थी, लेकिन अब तो कॉलेज जाने लगी है, कब तक किस तरह स्कार्फ के साथ छुपाएगी? डोसेज बढ़ाने से कुछ फ़ायदा होगा? नहीं नहीं, रिस्की है, जो दिया है उसी को कंटिन्यू करो। तो फिर कब तक वापस? कुछ बोल नहीं सकता डॉक्टर साहब, इसके कॉलेज जाने का क्या करें हम लोग? एक काम कर सकते हैं, विग यूज कर सकती हो। आर्टिफिशियल बाल लाते पता है मुझे, बहुत सारे लोग पहनते हैं, कॉलेज जाते वक्त पहन लिया करो और सोते वक्त उतार दिया करो, तब तक क्या पता बाल भी वापस आ जाए। चलो भाई सेवना भाई, नीट ये क्या हुआ, सारे झड़ गए? दादा झड़े नहीं है, कटवा दिए, बहुत लंबे थे पहले संजू बाबा की तरह। ये देखो, बहुत गर्मी लगती थी लंबे बालों, अब फैशन देखें कि गर्मी। तो छोटे करवा लेते, पूरे साफ कराने की क्या जरूरत थी? दीदी गया तो छोटे करवाने ही था, लेकिन जैसे हजाम की दुकान में बैठा, सफेद कपड़ा गर्दन में डाल दिया, उड़े पीछा हुआ तो देखा सामने टेलीविजन पर नया वाला अग्निपथ चल रहा था, बस जोश जोश में कंचा चीना बन गया। बहुत लकी हुआ आपके बिना बाल के भी खुश। चलो भाई साहब, वो लेडीज है, जेंट्स यहाँ। लेडीज ही चाहिए। ओ दीदी आइए ना, आइए प्लीज। ये देखिए मीना कुमारी, साधना स्टाइल, हेमा मालिनी स्टाइल, जो बोलोगे मिल गए। इनाक्षी आना। ओ बेटी के लिए चाहिए जी। बेटा आओ ना, ये देखो, ये कतरीना कैफ, करीना सैफ और दीपिका बात कौन, और देखो ऊपर वो काजल लटका हुआ है, आई मीन विक है, 2 दिन और वेट करेगा ना, आलिया भट्ट भी मिलेगा। वो क्या ना कि अभी सैंपल थोड़ा सा आया नहीं है दादा। हाँ एक नॉर्मल सा दिखाइए ना, सादा।
रोज रोज पहनना है. ठीक है, सिंपल नॉर्मल मिलेगा ना, एकदम मिलेगा. ये देखिए, ये सिंथेटिक, सस्ता टिकाऊ लेकिन एकदम ओरिजिनल. ओके बेटा, पहले कभी ब्रेक पहना कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा, ऐसा एकदम ओरिजिनल सा लगेगा, नो प्रॉब्लम. बढ़िया है एकदम. दादा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ट्राई करने दो बेटा, मत सोचा है, ट्राई करो, तब पता चलेगा कि एकदम कैसा लग रहा है. दादा कैंसर है क्या? दादा सॉरी दादा, दीदी आप देखे ना अपने लिए मीना कुमारी स्टाइल, वो आपका तो ओरिजिनल बढ़िया है, ससुरवंती ना टाइप. एकदम परफेक्ट, ऐसा लगता है जैसे आप ही के लिए बनाया गया है. दादा लो, कितनी अच्छी लग रही है. बहुत अच्छी, मालूम ही नहीं पड़ता है. बहुत सुंदर. आज दो मिनट के लिए लगा कि सचमुच मेरे बाल वापस आ गए हैं. इन पलों में जब मैंने शीशे में खुद को अपने आप से अलग होकर देखा, तो वो चेहरा जिसे मैंने देखना ही छोड़ दिया था, आज अपना सा लगने लगा. कुछ पलों के लिए ही सही, मुझे एक अजीब सी खुशी मिली, और ये खुशी मुझसे कोई नहीं छीन सकता. For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.